हरदोई में एक निकाह में किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, हंगामे के बाद किन्नर दूल्हे को बीच निकाह से उठाकर ले गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किन्नरों ने इस तरह के वाक्य को अंजाम दिया। दरअसल हरदोई के शाहबाद इलाके में रहने वाले इस रान का निकाह चल रहा था। उसी वक्त दो गाड़ियों से 10 किन्नर वहां पहुंचे और जमकर हंगामा किया। किन्नरों ने दूल्हे इसरान पर इल्जाम लगाया कि उसने कन्नौज के किन्नर से शादी का वादा किया था, जिसके बाद अब वो शादी से इनकार कर रहा है। किन्नरों का आरोप है कि इसरान 3 साल से पीड़ित किन्नर के साथ रह रहा था, उससे शादी का वादा कर उसका शारीरिक शोषण भी करता था और पिछले 3 सालों में उसने 10 लाख रुपए भी लूट लिए थे। यहाँ मेहमद में एक लड़का है इसरान नाम का, तो उसके पिता का नाम नौशाद है। वो 3 साल से मेरे साथ में शारीरिक शोषण करता चला आ रहा है। जब मैंने उससे शादी के लिए कहा तो वो मना करता था, टालता मटोलता था। इसी दौरान उसने मुझे 3 साल में 10 लाख रुपए ले लिए, है ना। आज जब मुझे पता चला कि कोई लड़की है, उसके साथ में उसने मतलब सेक्स वगैरह क्या बलात्कार किया, उसके खाने में तैरी थी और ये उससे शादी कर रहा, जब मैंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया आई, तो उस लड़की को भी जान से मारने की धमकियां दे रहा कि हम उसे भी जान से मार दी और मुझसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहा। हंगामे के बाद किन्नरों ने इस पूरे मामले की शिकायत शाहबाद थाने में की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। एसपी कपिल देव सिंह के मुताबिक पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जब इस मैटर में और छानबीन शुरू की तो वादी और प्रतिवादी दोनों ही पुलिस के समक्ष नहीं आए हैं। पुलिस द्वारा इस संबंध में सूचनाएं भी कराई गई हैं, लेकिन जो कथित महिला है उन्होंने भी आने से इनकार किया है, कोई तहरीर भी नहीं दी गई है। इसी तरह जो नवयुवक है वो भी उन्हीं के साथ स्वतः अपने को जाना बताया है। अभी तक इस प्रकरण में कोई और प्रगति नहीं हुई है जिससे हम बहुत कुछ आपको बता सकें, लेकिन जैसे ही इसमें अन्य कोई आपराधिक कृत्य या ऐसी वस्तु स्थिति पाई जाएगी, पुलिस द्वारा निश्चित रूप से न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की जाँच कब तक होती है और जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई क्या होती है। इस मामले में पीड़ित किन्नर को इंसाफ कब तक मिलता है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।